Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. क्लास 10th क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आर एस अग्रवाल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग चार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी देखेंगे एक एक करके। अगर इससे पहले आपने आर एस अग्रवाल का कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आपके क्वेरीज को हम फटाफट से सॉल्व कर सकें। क्या है क्वेश्चन नंबर वन, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को लिखते हैं और फटाफट से उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू जीरो। अब बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, बस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन खत्म। देखिए इसे मैं सेम लिख दीजिए, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और यहां पे हो जाएगा माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू जीरो। माइनस कितना होगा, दैट इज बी सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ए यहां है लेकिन यहां नहीं है, बी यहां है, बी यहां है, बी कॉमन, एक्स यहां है, एक्स यहां है, तो एक्स कॉमन, एक्स क्या हो जाएगा कॉमन। तो बी से बी मर गया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स मर गया, तो हमारे पास यहां बचा ए एक्स, क्या बचा ए एक्स, माइनस है तो माइनस, एक्स से एक्स मर गया, बी स्क्वायर से एक बी मर गया, तो क्या बचा, दैट इज बी, तो ए एक्स माइनस बी। अब यहां पे माइनस, यहां पर भी माइनस, तो यहां वाला जो टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया। क्या हमने सही किया है या नहीं किया है, तो बिल्कुल हमने यहां तक तो बिल्कुल सही किया है, यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहां प्लस है तो यहां माइनस कैसे हो गया भाई, क्या चल रही हो आप, खुद करते हो सर, हम लोग को क्या तबाह कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए, यहां माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, यहां पे सी था, यहां पे सी था, तो यहां हमने क्या ले लिया, सी कॉमन, तो यहां पे क्या बचा ए एक्स, माइनस माइनस प्लस, सी से सी मर गया, बचा क्या बी। वही चीज मैंने ध्रुवीय दृष्टि से भी देखा था, तो दोनों हमारा जो था वो इक्वल नहीं आ रहा था, हालांकि अभी भी इक्वल नहीं है, प्लस है तो प्लस होगा, अब इक्वल हो गया, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो जरूर मिस्टेक हुआ होगा। अब क्या है, एक्स प्लस बी इधर भी, एक्स प्लस बी इधर भी, तो हमने ले लिया एक्स बी, ए एक्स प्लस बी कॉमन, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा बी एक्स और यहां बचा माइनस सी इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इन लोग दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, या तो ये टर्म जीरो या फिर ये टर्म जीरो, चलिए निकालते हैं, यानी कि ax प्लस b इक्वल्स टू जीरो और हम लोग क्या बोल सकते हैं, bx एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ax इक्वल्स टू माइनस बी और x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि माइनस बी बाई ए। यहां अगर देखो तो bx एक्स इक्वल्स टू माइनस में है तो चला गया प्लस में, तो x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यानी कि एक आंसर हो गया हमारे पास माइनस बी बाई ए और दूसरा आंसर हो गया सी बाई बी, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलती है नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अगेन क्वेश्चन नंबर टू है, यहां पे क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर आप इसके देखकर परेशान हो रहे हैं कोई परेशानी है, बस दोनों का पेयर बना दीजिए, एक पेयर इधर और एक पेयर इधर, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म हो गया। हालांकि हमने क्वेश्चन यहां पे सही लिखा है या नहीं लिखा है, यहां पे प्लस होगा, कितना होगा, यहां पे हमारा प्लस होगा, तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है भाई, क्या ही करें क्या ही करें, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पे हमने दो पेयर बना लिया, यहां पे हमने दो पेयर बना लिया और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए क्या है, यहां पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहां पे नहीं है, यहां बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, तो बिल्कुल बी स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, एक्स यहां है, एक्स यहां है, एक एक्स हमने ले लिया कॉमन। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया तो हमारे पास इधर बचा ए स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स मर गया तो एक एक्स बच गया, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर एक्स से बी स्क्वायर एक्स मर गया, क्या बचा वन। अब यहां माइनस है, माइनस वन हमने ले लिया कॉमन, क्योंकि दोनों में इसके अलावा तो कुछ और कॉमन है नहीं, तो जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं बचे उस केस में हम लोग वन को कॉमन लेते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं, वन को कॉमन लेते हैं, तो वन को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, दैट इज ए स्क्वायर एक्स माइनस और माइनस प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। अगेन ये टर्म हमारा इक्वल, ये टर्म हमारा इक्वल हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस वन इंटू, इधर में क्या आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब इन लोग दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि जीरो का इक्वल है, या तो फिर ये टर्म इक्वल्स टू जीरो होगा प्लस बी इक्वल्स टू जीरो होगा, सॉरी प्लस वन है, या तो ये टर्म इक्वल्स टू जीरो होगा और या फिर ये टर्म इक्वल्स टू जीरो होगा, दैट इज बी स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर एक्स
ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, माइनस वन बाई ए स्क्वायर, माइनस वन बाई ए स्क्वायर, माइनस वन बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस में, इधर गया तो प्लस में, तो यहां से एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वन, ये मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, यानी एक आंसर हो गया माइनस वन बाई ए स्क्वायर और दूसरा आंसर हो गया वन बाई बी स्क्वायर, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और इजी फॉर्म में आपको समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, 12ab(x²-9a²-8b²)x माइनस सिक्स ए बी इक्वल टू जीरो। क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, एक्स का मल्टीप्लाई इन लोग दोनों के साथ करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ माइनस को भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को सेम, यानी कि 12ab(x²), अब माइनस एक्स इंटू इतना, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसका मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8b²x माइनस 6ab इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बनेगा और यहां पे एक पेयर बनता हुआ हमें नजर आएगा। तो चलिए पेयर फटाफट से हम लोग बना लिए हैं, कॉमन निकालते हैं। अब थ्री इसके टेबल, थ्री के टेबल में ये भी आता है, थ्री के टेबल में ये भी आता है, तो हमने ले लिया थ्री कॉमन। ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, एक ए ले लिया हमने कॉमन। एक्स स्क्वायर एक्स मतलब एक्स एक्स दोनों के पास है, एक्स ले लिया हमने कॉमन, एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन। थ्री के टेबल में ट्वेल्व कितने टाइम्स में, फोर टाइम्स में। ए से ए मर गया, बी बच गया है तो बी लिख लिया। एक्स स्क्वायर से एक एक्स मर गया तो एक एक्स हमारा बच गया। माइनस है तो माइनस, थ्री के टेबल में नाइन, थ्री टाइम्स में। ए स्क्वायर में से एक ए मर गया तो ए ए बच गया, है ना, इतना हो गया। यहां पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले दिया हमने। अब टू के टेबल में ये भी आता है, टू के टेबल में ये भी आता है, तो हमने ले लिया टू कॉमन। अब यहां पे बी स्क्वायर है तो यानी कि यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, हमने ले लिया बी कॉमन, बी कॉमन। टू के टेबल में एट कितने टाइम्स में, फोर टाइम्स में। बी से एक बी मर गया तो एक बी बच गया। एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, टू के टेबल में सिक्स, थ्री टाइम्स में। बी से बी मर गया, हमारे पास बचा ए इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये दोनों नंबर आपको सेम देखने को मिल रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे 4bx माइनस 3a माइनस 3a इंटू इंटू 4ax प्लस 2b प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्योंकि इन लोग दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है या तो ये टर्म इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर ये टर्म इक्वल्स टू जीरो होगा। तो या फिर कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 4bx माइनस 3a इक्वल्स टू जीरो, और में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 4bx प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में। ठीक है, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 4 3a डिवाइडेड बाई 4b, 3a डिवाइडेड बाई 4b। और अगर यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा 3ax इक्वल्स टू ये प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में, यानी कि बाई 3a, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में समझ में आया होगा कि थर्ड क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या है, केबीजी वाला फीलिंग आ गया। 4x² माइनस 2 इंटू इतना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं 4x², अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो माइनस 2x इंटू इतना, तो हो जाएगा माइनस 2a² इंटू x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू b², तो हमारे पास हो गया 2b² इंटू x इंटू x, प्लस प्लस a² b² इक्वल्स टू जीरो, ए स्क्वायर और हमारे पास क्या हो जाएगा b² इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बनाएंगे एक पेयर और यहां पे बनाएंगे हम लोग एक पेयर और इन लोग दोनों के बीच में से कॉमन लेना शुरू करेंगे। जैसे टू के टेबल में ये भी आता है, टू के टेबल में ये भी आता है, तो टू हमने कॉमन ले लिया। एक्स इसके पास भी, एक्स इसके पास भी, तो एक्स हमने ले लिया कॉमन। टू के टेबल में फोर, टू टाइम्स में। एक्स स्क्वायर से एक एक्स मर गया तो एक एक्स बच गया। माइनस है तो माइनस, टू से टू मर गया और एक्स से एक्स मर गया, तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज ए स्क्वायर। क्या बचा, ए स्क्वायर।
अब यहां माइनस है तो माइनस ले लिया, टू इसके पास है टू नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। बी स्क्वायर तो हमने ले लिया बी स्क्वायर कॉमन, एक्स इसके पास नहीं है तो केवल बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस के साथ लिया है ये बात हम लोग ध्यान देंगे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर जाएगा तो टू एक्स यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ये तो दोनों टर्म जो है हमारा, हमें दोनों सेम देखने को मिल रहा है तो इसको ले लेंगे कॉमन, यानी कि 2x माइनस ए स्क्वायर हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो इधर बचेगा 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि इन लोग दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है या तो ये टर्म इक्वल टू जीरो या फिर ये टर्म इक्वल टू जीरो, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे नाउ 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और हम लोग लिखेंगे 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास क्या 2x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और यहां से हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमने चार क्वेश्चंस का अभी एक सीरीज देखा, उसमें आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और एक ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस में भी दिक्कत है, किसी और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसलिए मैं वहां पे नहीं देख पाता। अगर वो चले जाए तो आप मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पे डीएम कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर दें, तो आपके क्वेरीज को मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।